आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। होश में आओ, होश में आओ, दिया प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिया प्रशासन होश में आओ, शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, विद्यार्थियों के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में, युवा कांग्रेस मैदान में, शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। कौन आएगा ले ले ज्ञापन कहाँ पे? वैक्सीन की ये धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वैक्सीन की ये धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, रंगा में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रंगा बिल्ला होश में आओ। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। आप इस पर कार्रवाई करो सर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर कि फीस के कारण किसी भी अभिभावकों को बाहर में, बच्चों को किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। इस आदेश का पालन भी कर रहे हैं, उसके साथ आप देख लो। ये तो हम दो दिन के अंदर कुछ पेड़ जो पता है, और कुछ बच्चों को भी बोल सकते हैं, डॉक्टर भी कर सकते हैं। चलिए समझ में आता है, किस देखते हैं बात की बात है सर। आप बात की आप अभी बात करो, उससे लगाओ फोन, अभी लगा के बात कीजिए सर। सर ये चीजें तो सर शुरू से चलती है, फीस के चक्कर में शुरू से ही चलती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल जब शिक्षा विभाग की बात नहीं सुनता तो सर क्या मतलब, इसको भी प्राइवेट कर दो, क्या दिक्कत? आप अगर एक्शन लेंगे तो हम उनको सभी के समक्ष दलील किया जाता है महोदय। इससे विद्यार्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ना होती है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा एक तो फीस की मनमाने तरीके से निर्धारित की जाती है। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सभी प्राइवेट विद्यालयों की फीस एक समान नहीं है। फिर भी पाली और कल से यही यह किसी विद्यार्थी या पालक द्वारा कोई गलत कदम उठाया तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी स्कूल व शासन की होगी। महोदय अब अगर किसी स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के साथ एवं अभिभावक के साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो युवा कांग्रेस देवास द्वारा स्कूल को ताला लगाकर बंद कर दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की रहेगी। लोकेन्द्र सिंह जी, उनकी बालिका वहाँ पर स्कूल में पढ़ती है, उनकी बच्ची को खाना खाते खाते वहाँ के प्रिंसिपल ने बाहर कर दिया और बोला आपकी फीस जमा नहीं है, इसके कारण आपके पेरेंट्स को बुलाओ। पेरेंट्स गए, उनके साथ अभद्रता की और उनको स्कूल से भगा दिया गया। इस विरोध में आज हम जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर हमने आज कार्रवाई की मांग की है। अगर दो दिन के अंदर आप इस पर कार्रवाई करो सर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर कि फीस के कारण किसी भी अभिभावकों को बाहर में, बच्चों को किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। इस आदेश का पालन भी कर रहे हैं, उसके साथ आप देख लो। ये तो हम दो दिन के अंदर जो पैदा हुई है पता है, और बच्चों को सर सभी स्कूलों में अभी सर ये चीजें तो सर शुरू से चल रही है, फीस के चक्कर में सर शुरू से ही चल रही है। लेकिन प्राइवेट स्कूल जब शिक्षा विभाग की बात नहीं सुनता तो सर क्या मतलब, शिक्षा विभाग इसको भी प्राइवेट कर दो, क्या दिक्कत? सर आप अगर एक्शन लेंगे तो हम ताले लगाएंगे स्कूलों में अगर ये घटनाएं दोबारा होती है। हेलो, हाँ हेलो, बच्ची को बदतमीजी से, हेलो लंच करते हुए गुड़िया को उठा के बाहर भेजा। हेलो इसलिए हम
विजयनगर मंदिर का भी हुआ था बच्चों को टीसी में रोकी हुई होती है प्राइवेट स्कूलों द्वारा। एक तो फीस की मनमाने तरीके से निर्धारित की जाती है। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सभी प्राइवेट विद्यालयों की फीस एक समान नहीं है। फिर भी पालकगण जब इसको किस्तों में जमा कर रहे हैं तो विद्यालय द्वारा जमा कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 ने सभी वर्गों के लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। महोदय, अगर इसी प्रकार स्कूल द्वारा मनमानी होती रही और कल से यही यहाँ किसी विद्यार्थियों पालक द्वारा कोई गलत कदम उठाया तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी स्कूल व शासन की होगी। महोदय, अब अगर किसी स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के साथ एवं अभिभावक के साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो युवक कांग्रेस देवास द्वारा स्कूल को ताला लगाकर बंद कर दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की रहेगी। महोदय जितेंद्र सिंह गौड़, जिला अध्यक्ष युवक कांग्रेस देवास। युवक कांग्रेस अभी लगा के बात कीजिए सर। सभी स्कूल के मीटिंग हम लोग तो करेंगे। ये मेरे पास ₹48,530 कितने भी आप नीचे आ जाओ। आप बताइए क्या किस बात को लेकर आज आप यहाँ पे क्या बंद देना है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय देवास जिसे पालकों से स्कूल स्टाफ द्वारा भद्रता पूर्वक व्यवहार करने बाबत महोदय मानी कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते सभी की स्कूल में लोकेन सिंह जी उनकी बालिका वहाँ पर स्कूल में पढ़ती है, उनकी बच्ची को खाना खाते खाते वहाँ के प्रिंसिपल ने बाहर कर दिया और बोला आपकी फीस जमा नहीं है, इसके कारण आपके पेरेंट्स को बुलाओ। पेरेंट्स गए, उनके साथ अभद्रता की और उनको स्कूल से भगा दिया गया। इस विरोध में आज हम जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर हमने आज कार्रवाई की मांग की है। अगर दो दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती उन पर तो हम तीसरे दिन इस शिक्षा विभाग में धरना देकर बैठ जाएंगे। अभी आपने सर को फोन भी लगाया, क्या बोला? वो यहाँ आ रहे हैं, जो ये शिकायत प्राप्त हुई थी लोकेन सिंह जी की, तो उसके इसमें चाहता हूँ उनको बुलाया। आपका नाम बता दीजिए। गिरीश शेरवड़ा।